जय गुरुदेव, जय महर्षि। फास्ट कैलकुलेशन रूल नंबर 6, मल्टीप्लाइंग टू टू डिजिट नंबर्स। ये मेथड ऊर्ध्व तिर्यक विधि कहलाती है। जगत गुरु महाराज कृष्ण तीर्थन स्वामी, जो पुरी के शंकराचार्य थे, उन्होंने लिखी है किताब वैदिक गणित, बहुत पॉपुलर हुई है। और उस गणित को बनारसी लाल मोतीलाल संस ने शायद प्रकाशित किया है। तो उस किताब में ये इसका नाम ऊर्ध्व तिर्यक विधि कहा है। और इसमें हम कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, और टू डिजिट नंबर ले लीजिए, 3 डिजिट का भी है, 4 का भी, 5। मैं इजी वाला आपका 2 डिजिट के डिस्कस करें, कभी मौका लगेगा 3 डिजिट भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारे इसमें, ये जैसे अब पहले रिस्ट्रिक्शन था कि यूनिट प्लेस में 1 होना चाहिए, है ना। यहाँ आपका कोई भी नंबर हो सकते, यूनिट प्लेस 2 डिजिट का कोई नंबर हो। आप या जब हाँ कोई भी 8 रखना है, 8-5 रखना है, या 62-74 लेना, 53-45 लेना, तो इस तरह कोई भी नंबर रख के आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते इस विधि से। कोई भी नंबर ले सकते इसमें। और इवन ये नंबर्स के लिए भी, एलजेब्रा में भी ये आपका सही है, मगर वहाँ यूनिट टेंस और ये नहीं आते, लाइक टर्म को फिर आपको कंबाइन करना है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एलजेब्रिक जो टर्म्स है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस विधि से। तो ये देखिए, हमारा कोई नंबर ए बी सी डी के फॉर्म में, ए बी और सी डी दो नंबर है। तो ए एक कोई डिजिट को डिनोट करता है, बी दूसरी डिजिट है, सी तीसरी डिजिट चौथी है। ये चारों चारों तो एक जैसी भी हो सकती है, 55555 55 55 ले लीजिए तो भी आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोशिश करिए कि टेंस प्लेस में मतलब 1-0 ना हो। 0 रखेंगे तो भी आएगा, ये नहीं है, मगर आपको 2 डिजिट लेनी है तो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए तो इसमें क्या करना है हमें, कुछ नहीं। ये क्या, लेट अस कंसीडर द नंबर्स आर इन द फॉर्म ए बी एंड सी डी, ये जो हमने पहले बता दिया। 1 डिजिट नंबर इसका क्या आएगा, बी। इसमें 1 डिजिट क्या है, बी और डी। तो 1 डिजिट वाले जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद टेंस प्लेस में क्या डिजिट होगा, ये टेंस प्लेस में यहाँ ए है, तो ए का ये यूनिट प्लेस की डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा टेंस प्लेस ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये टेंस प्लेस के इस यूनिट प्लेस से डिजिट करें तो भी हमारा टेंस में ही नंबर आएगा। तो ये देखिए, इसमें क्या करते हैं, ए डी लास्ट लास्ट, ये दो अंतिम वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन, फिर ये दो बीच वाले का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हम उनको जोड़ देते हैं। ये टेंस प्लेस में, अगर यहाँ 2 डिजिट में आ रहा है, यहाँ भी 2 डिजिट आ रहा है, तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे जैसे हम पहले करते थे। फिर क्या करना है, 100 प्लेस में क्या आएगा, ए और सी, ये ए टेंस प्लेस और 10, 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करने से 100 आएगा। तो यहाँ अगर 4 और 7 है तो 4 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 7 20 है, तो 2800। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 6, तो 600। तो ये 100 में हमारा ये आएगा। और इन स्टेप में, फर्स्ट सेकंड में कोई कैरी नंबर आता है, 2 डिजिट नंबर आता, तो हम जो टेंस प्लेस वाली डिजिट होगी उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए, जहाँ भी हो। तो ये जनरल रूल हमने आपको ये बताया है, ये मेथड है कि कैसे हम ये करेंगे। तो ये जनरल मेथड हमने आपको बताया। आप, हम एक प्रश्न लेते हैं, ये 34 और 27, ये 34 और 27 में हमको हम मल्टीप्लाई, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे इस तरह, 34 मल्टीप्लाइड बाई 27। ऐसा करने से हमें ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तिर्यक मतलब ऐसे तिरछे मल्टीप्लाई। तो इससे हमने फिर ये जो लाइन खींची है ऊर्ध्व, इसका मल्टीप्लिकेशन किया यूनिट प्लेस के लिए, पहले ये करेंगे हम। तो 4 7 जा 28,
तो यूनिट प्लेस में हमारा क्या आ गया 28। फिर तिर्यक करेंगे, ये 3 × 7 और 4 × 2 ये तिर्यक में, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये ए डी और बी सी था ना, ये 29 आ गया टेंस प्लेस के लिए। अब 100 का 3 और ये 2 है, 3 × 2 = 6, तो 3 टेंस प्लेस वाली डिजिट है, आप 20 समझिए इसको, इसको 20 समझिए, इसको 30 समझिए, 20 × 30 करेंगे तो 600 आएगा, तो 100 कितना है 6 है हमारा, तो ये 6 यहाँ आ गया। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं और एड कर दे, तो 600 ये आया 6 × 100, 29 × 10 टेंस प्लेस डिजिट है, ये 10 है ना, तो टेंस प्लेस, और ये यूनिट प्लेस डिजिट है, तो ये 28 यूनिट प्लेस डिजिट है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये 600 आ गया, ये 290 आ गया, ये 28 आ गया, तो 600 + 290 + 28 ये 918 आ जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके या दूसरी विधि से करके चेक कर लीजिए, हमने चेक कर लिया और हम इसमें अभी आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारा 53-45 का मल्टीप्लिकेशन करना, तो 53 को हमने यहाँ से लिख लिया, इसके बाद इसी से हमने इसको आगे बढ़ाया 53-45, तो ऊर्ध्वक ये ऊपर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये यूनिट प्लेस आए, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट आएगी, और ये 3 × 5 = 15 हो गया यूनिट प्लेस में। तिर्यक, ये तिर्यक है हमारा, तो ये क्या होगा 5 × 5 = 25 ये हो जाएगा इसका आंसर, और फिर 3 × 4 = ये 4 है हमारा ये, और ये 3 है, 3 × 4 = 12, तो 25 यहाँ से आया और 12 यहाँ से आया, तो 37। आपको सब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली 37 यहाँ लिख दी, और 5 × 4 = ये टेंस प्लेस मतलब 50 और ये 40 है टेंस प्लेस मतलब, तो इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 100, तो ये 100 के लिए हमने ले लिया है, ये कितना है 20। अब इसको फिर अरेंज करेंगे प्रॉपरली, तो ये हो गया 20 100, ये 20 100, 37 tens, ये 37 tens और 15 units। सिंप्लीफाई किया तो 2000, ये 317 और ये 15, 370 में 15 ऐड करेंगे तो 385 आ जाए, और 2000 तो क्लियर है, तो 2385 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक ये नंबर है, आप इसको अपने से ट्राई करके देखना और आराम से आप कर सकते हैं। इसमें भी इन नंबर को हमने अरेंज किया, फिर ये नंबर 62 यह है, यहाँ 62 देखिए, ये 74 है, इसमें 2 × 4 = 8, 8 ही आया यहाँ पे, और यहाँ ये क्या है हो गया हमारा, ये इसको 6 × 4 = 24 और 7 × 2 = 14, तो मिला के ये 38 हो गया, और 6 × 7 = 42, तो ये हमारा 42 आ गया, तो 42 तो 100 प्लेस में हो गया, ये 38 टेंस प्लेस में हो गया हमारा, तो ये टेंस प्लेस में हमने यहाँ लिख दिया इसको एक्सपेंड फॉर्म में, तो वो कैरी फॉरवर्ड वाली बात यहाँ नहीं, क्योंकि हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखे तो ऑटोमेटिक भी चला जाता है, और ये 3 कहाँ से लिख दिया भाई मैंने, ये 2 × 4 = 8 है, 2 × 4 = 8, तो 8 को हमने 8 × 1 कर दिया, और ये हो गया 4200 + 380 + 8, तो 380 में 8 कर दीजिए ओरली, तो 388 आ गया, और ये 4200 है, इसमें 300 ऐड कर तो 4588, तो आराम से हम इस तरह से ये कर सकते हैं। तो जय गुरुदेव, और आपको इसमें और अधिक इस तरह के ट्रिक्स सीखना हो
तो ये हमारे जॉय ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स है और उसको आप मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसे पढ़िए और भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे। और मैथ्स लैब में लो कास्ट टीचिंग एड बनाने के लिए भी कोई बहुत से आपको डिवाइसेस बनाने का आइडिया मिलेगा, बनाना तो आपको ही है। ट्राई योर सेल्फ फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आपका अभ्यास करने से आपको गणित में निपुणता हासिल होती है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए कुछ हमने सवाल दिए हैं और इसके लिए टाइम दिया, 12 मिनट का समय दिया, 2 मिनट्स पर ईच, आशा है 2 मिनट से कम में आप कर लेंगे। और अभी हमने पूरे रिकॉर्डिंग 11 मिनट में हो गए, तो आपको सारा एक्सप्लेन करने के बाद समझाने के लिए तो ये सफिशेंट समय है। मेरे आपको शुभकामनाएं, खूब गणित में आप निपुण हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।